हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात में भरोसा दिलाया कि देश कोरोना पर जीत हासिल करेगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को हर मुद्दे पर दो दो हाथ करने की चुनौती दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना पर दिल्ली के लोगों को दिया भरोसा। कहा, मनीष सिसोदिया के बयान से लोगों में घबराहट बढ़ी, लेकिन दिल्ली में नहीं है कम्युनिटी स्प्रेड, हालात काबू करने की पूरी कोशिश। राहुल गांधी के सरेंडर मोदी वाले बयान पर अमित शाह का जवाब, संसद शुरू होने वाला है, चर्चा करनी है तो आइए। 1962 से अब तक के मुद्दों पर दो दो हाथ हो जाए। शरद पवार के बाद कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर साधा निशाना। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। मन की बात में पीएम मोदी ने चीन को दी चेतावनी, भारत दोस्ती निभाना जानता है तो आंखों में आंख डालकर करारा जवाब देना भी जानता है। पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता नरसिम्हा राव की जन्म शताब्दी वर्ष की आज से शुरुआत। पीएम मोदी ने किया नरसिम्हा राव के योगदान को याद। पीएम मोदी बोले, लोकल के लिए वोकल बनकर जवाब देना ही सीमा पर शहीद जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि। चीन के मुद्दे पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। अभिषेक मनु सिंघवी बोले, बस पीएम मान लें कि चीन ने हमारे इलाके में बंकर बनाए हैं, फिर पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गांधी परिवार पर साधा निशाना। कहा, इस बात का जवाब दें कि चीन से पैसा लिया या नहीं। बंदरगाहों और एयरपोर्ट पर फंसे चीनी सामानों को लेकर नितिन गडकरी ने लिखी चिट्ठी। वित्त और उद्योग मंत्री से किया कंसाइनमेंट जल्द क्लियर करने का आग्रह। कहा, हो रहा है नुकसान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना से ठीक हुए लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। केस बढ़ने पर बोले, हालात नहीं संभले तो फिर से लग सकता है लॉकडाउन। मुंबई बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने उद्धव सरकार पर लगाया आंकड़ों में हेराफेरी का आरोप। कहा, बीएमसी और सरकार के कोरोना मरीजों की तादाद अलग अलग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोंडा जिला अस्पताल का किया दौरा। कोविड 19 के मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का लिया जायजा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का किया दौरा। मंदिर निर्माण के कार्यों का लिया जायजा। महंत नृत्य गोपाल दास से की मुलाकात। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की पुलिस जांच पर शिवसेना ने उठाए सवाल। मुखपत्र सामने में लिखा, आखिर पुलिस क्या जानना चाहती है। बीजेपी नेता राम कदम बोले, पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश। लालू यादव की पार्टी को एक और झटका। बिहार आरजेडी के उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव ने पार्टी छोड़ी। कहा, पार्टी में बुजुर्ग नेताओं का सम्मान नहीं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। कहा, गली गली में बिक रही है शराब, बेरोजगारी का भत्ता देने का वादा भूली बघेल सरकार। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार। अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। 54 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए। देश भर में कोरोना के अब तक 5,28,000 से ज्यादा मरीज। अब तक 16,095 लोगों की मौत। 3,09,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। बीमा नियामक IRDA का बड़ा आदेश, अब बीमा कंपनियों को कोरोना पॉलिसी देना जरूरी होगा। 10 जुलाई से पहले पॉलिसी देना जरूरी। कोरोना के खतरे के चलते असम के गुवाहाटी में फिर होगी तालाबंदी। आज रात से 14 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन का फैसला। जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए बाजार में उमड़ी भीड़। महाराष्ट्र में 3 महीने बाद आज से खुले सैलून। काम करने वालों और ग्राहकों के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी। दिल्ली के LNJP अस्पताल के डॉक्टर असीम गुप्ता की कोरोना से मौत। मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा था इलाज, ड्यूटी के दौरान हुए थे संक्रमित। वाराणसी में BHU के आयुर्वेद विभाग ने बाबा रामदेव की कोरोनिल दवा का किया समर्थन। कहा, आयुर्वेद के लिए अलग से बने DGCI आयुष। महाराष्ट्र के अकोला में जेल तक पहुंचा कोरोना संक्रमण। जांच में 50 कैदी वायरस से संक्रमित पाए गए। दिल्ली में गिरफ्तार खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों से बड़ा खुलासा। उत्तर भारत में माहौल खराब करने की फिराक में थे आतंकी। निशाने पर थे RSS, बजरंग दल और BHP के बड़े लोग। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट में दर्शकों के आने पर पाबंदी। कोरोना महामारी के चलते फैसला, बिना दर्शकों के जारी रहेगा BSF का समारोह। उत्तराखंड में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला वैली पुल 6 दिन में ही फिर से आवाजाही के लिए तैयार। मुनस्यारी के पास मौजूद पुल हो गया था क्षतिग्रस्त। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की लोगों ने तारीफ की। चीनी सामानों के बहिष्कार को भारत के लोगों का भरपूर समर्थन। व्यापारियों की संस्था कैट के सर्वे में 99% ने जताई सहमति।
गाजियाबाद के कविनगर इलाके में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 14 गाड़ियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर किया काबू। गुजरात के वडोदरा में खाद्य सामग्री बनाने वाली कंपनी के प्लांट में लगी आग, 12 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में माचिस की फैक्ट्री में आग से भारी तबाही, 2 मजदूर घायल। यूपी के देवरिया में जामुन तोड़ने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, एक की मौत, 4 घायल।